प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राहुल जीवन जी शाह है, निवेदन करूंगा वो भी मंच पर पधार कर अपना सम्मान ग्रहण करें, मंच पर पधार कर हमारा सम्मान ग्रहण करें। श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेश कुमार जी नायक एसडीएम खेतड़ी, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी सम्मान ग्रहण करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजवीर जी यादव तहसीलदार खेतड़ी से निवेदन करूंगा मंच पर पधार कर सम्मान ग्रहण करें। अब मैं संस्था के निदेशक महोदय से पुरस्कारों की वेला अब समाप्त होती है। आनंद जी का नाम से ये इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है, हम ये भी जानते हैं जे यहाँ का जो कर्मकर्ताएं हैं अशोक जी अजय जी सब स्वामी जी का भावधारा इन बच्चों में डालने का कोशिश करते हैं, उसी संस्कार के अनुसार उनका शिक्षा करने का कोशिश करते हैं। हम प्रेम सिंह जी के से सुना है कि कैसे हम अगर बच्चे एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो कैसे उसको प्राप्त कर सकता है। एक छोटा सा कहानी मैं सुना था जे एक मेढक एक बार ठान लिया जे वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, तो चढ़ना जब शुरू किया तब देखा दूसरे आसपास में जो मेढक था उन्होंने उनको मना करने लगा, बोला जी असंभव है, कभी नहीं सुनता था, बधिर था। तो इसलिए जो उनको मना किया था वो उन्होंने नहीं सुना, इसलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको छोड़ने होगा, उसमें प्रभावित होने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग अगर कुछ निर्धारित कर ले हमारे लक्ष्य तो हम लोग को पूरा मन प्राण से उसको पाने के लिए कोशिश करना चाहिए और जरूर हम सफल होंगे। और दूसरा चीज है जो शिक्षा में स्वामी जी जो बोले थे जे त्याग और सेवा, ये दोनों चीज है भारत का आदर्श। तो शिक्षा के साथ साथ स्वार्थ त्याग का जो शिक्षा वो भी थोड़ा सा देना चाहिए बच्चों में, क्योंकि अपने अपने लक्ष्य तो हासिल कर लेंगे, उसके साथ जो आसपास का लोग है समाज है उसको लिए भी वो कुछ करें, ये बहुत जरूरी है। इसको भी शिक्षा में ध्यान दिया जाए, शिक्षा के साथ साथ कुछ समाज सेवा के साथ बच्चे को जोड़ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसे बच्चे संस्कारित होता है और आगे भी समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो हम आशा करेंगे ये आज का जो युवकों हैं ऐसे स्वामी जी का से प्रेरणा लेके आगे उन्होंने देश के सेवा में लगेंगे और देश का एक देश को एक बहुत अच्छा स्थान में उन्होंने पहुंचाएंगे। नमस्कार।